For all updated news, please subscribe Eva News and ring the bell. ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱਲਾ ਚੀਕਾ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੂਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁੱਲਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹਮਨੇ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਮੇ ਗਿਫਟ ਕੀਆ। तो इसके माध्यम से मैं आगे जो और यहाँ के जो शहर के जो मौजूद लोग हैं या और भी अन्य अदर डिपार्टमेंट है उनसे भी एक मैं अपील करूँगा कि इसके अंदर बढ़ चढ़ कर सहयोग करें ताकि जो नंदीशाला की ये जो स्थिति है दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाए। आज नंदीशाला में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे हल्का के तहसीलदार साहब नायब तहसीलदार साहब सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट नंदीशाला में पहुँचा हुआ है और जो इन्होंने ये पुण्य का कार्य किया है बहुत खुशी की बात है। हल्के के लिए भी खुशी की बात है और समाज के लिए भी खुशी की बात है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि लोगों का रुझाव भी अब जब प्रशासन बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है तो लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग। ने पीछे भी ग्रांट जारी की थी और अब भी ग्रांट आई है। एक साइड पहले बन गया था और दूसरा साइड अभी बनकर तैयार हो गया। एक पासे तो पंजाब सरकार वालों बच्चों को खेडों प्रति उत्साहित और जागरूक किया जाता है और दूजे पासे गुरदासपुर स्पोर्ट्स विंग कुछ अजिहे भी अधिकारी मौजूद हैं जो पंजाब सरकार वालों जारी की जाती रोजाना 100 रुपए की डाइट पिछले एक महीने तो स्पोर्ट्स विंग के वक् वक् खेडों लिए प्रैक्टिस करते 270 बच्चों को नहीं दे रहा। बास्केटबॉल खेलते हाँ तो डाइट ना खेलते पे सू पूरी डाइट नहीं मिलती पी हैगी ठीक है। तो होर असी पूरी प्रैक्टिस भी करते हैं 4 बजे तो लैके 5:30 तक बट साड़ी डाइट नहीं मिल रही है। सानू डाइट हूँ आँदी नहीं पहले आँदी रही सी डाइट हूँ नहीं आँदी सी डाइट हूँ कुछ भी नहीं आ रहा इस टाइम तो सा कुछ भी नहीं आ डाइट नहीं आ रही अभी साड़ी डाइट काफ़ी महीना वो चला नहीं आई। उस तो पहले दुध तो केले नहीं आंडे नहीं मिले आंडे उस तो पहले आँदे काफ़ी टाइम पहले आँदे रही हूँ नहीं कुछ नहीं और बस तुम मैंने अज ही दसिया अभी मेरे ध्यान च आया। मैं सलीम साहब ने कहा करके इनकुआरी उन्होंने गल करके मैं रिपोर्ट देंगे जी कार्रवाई करा। पंजाब सरकार वालों पिछले कई सालों तो खेड विभाग वालों स्कूलों के बच्चों रिहायशी गैर रिहायशी खेड विंग दिए गए हैं जिन्हों के बच्चों 100 रुपया प्रति दिन खुराक जी दी जाती है। पर पिछले 1-2 साल तो असं लगातार देख रहे हैं कि इन बच्चों की जी खुराक है वो 25 दिसंबर को बंद कर दी जाती है क्योंकि बच्चों दी खेडां जिहड़ियां ने वो अजे रहिंदियां ने। इस साल भी गुरदासपुर जिले में 270 सीटां जिहड़ियां अलाट कीतियां गईयां पर जदों इहदा जिहड़ा ठेका अलाट करन समें गुरदासपुर के किसी ठेकेदार नूं ठेका देण दी बजाए ठेका जिहड़ा तरन तारण के किसी व्यक्ति नूं मिली भुगत दे नाल दित्ता गया पर देख लगातार असीं इह देखदे आए हाँ कि उस व्यक्ति वल्लों ये ठेके की जो बन दी शर्तां सी उहदे मुताबक पूरा जिहड़ा वो व्यक्ति उतरिया नहीं। उत्थों तक मेरा ख्याल है जी भी बास्केटबॉल दे आ फिर उहदे जुडो दे आ हाकी दे आ अथलैटिक्स दे बच्चे आ पर पिछले 20 तरीक तो बाद इन्हां बच्चों नूं कोई डाइट नहीं मिली। पहलां डाइट इन्हां नूं मिलदी सी दुध ते बनैना वगैरह होर कुछ नहीं मिलदा रहा होर नहीं कुछ मिलदा ते हुण उह वी नहीं आ रहा नहीं उह बंद हो गया। For all updated news, please subscribe Eva News and ring the bell. हरियाणा कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों वालों भाजपा सरकार की किसान अते कर्मचारी विरोधी नीतियां के खिलाफ इंद्री च रोस प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारी नेतावां वालों सरकार नूं चेतावनी दिंदिया कहा कि जेकर उन्हां दीआं मंगां ना मन्नियां गईआं तां आउण वाली 20 जनवरी नूं जेल भरो अंदोलन किया जाएगा। आज का जो यह सशस्त्र अभियान ब्लॉक इंद्री हरियाणा कर्मचारी महासंघ की तरफ से जारी किया जा रहा पिछले काफ़ी समय से हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों की जो मांगे थी 18 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से हरियाणा कर्मचारी महासंघ के शिष्टमंडल की बातचीत हुई थी जिसमें 26 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से लगभग 3.25 घंटे चर्चा हुई और चर्चा होने के बावजूद 12 मांगों पर सहमति बनी थी जिन 12 मांगों में सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार
पार्ट वन और पार्ट टू के कर्मचारियों पर समान काम समान वेतन लागू करना, फ्री कैशलेस मेडिकल सुविधा देना। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने अपनी पार्टी के लुधियाना देहाती के अहुदेदारां दा ऐलान कर दिता है। उत्थे ही कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ते हमला बोलदिआं उन्हां कहा कि राणा गुरजीत ते अस्तीफा देण दा दबाव विरोधी धिर दे विरोध दे चलदिआं वधिआ है। कांग्रेसी की बोल रहे विचों विचों कांग्रेसी कह रहे, मैं एक दो अखबारां दे विच स्टेटमेंट पढ़िआ, कहिंदे जी नैतिकता दे आधार ते रिजाइन कीता राणा गुरजीत ने। नैतिकता दा आधार अज किते आया? जदों अमित बहादुर करोड़ा रुपये की दो नंबर की एंट्री घुमाई गई सी, उस दिन राणा गुरजीत रिजाइन कर दे, जिदन पहले दिन सुखपाल खहरा ने इशू चुकया सी, उस दिन रिजाइन कर दे, असीं मानदे वी नैतिकता के आधार से राणा गुरजीत ने रिजाइन किया। ते अज नैतिकता के आधार से नहीं, अज जिहड़ा अपोजिशन ने इमानदारी वाला रोल अदा किया, पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियां दी कचहरी दे विच असीं इशू लैके गए हां। ते अज लोकां दे दुआ कारण अपोजिशन दे रोल कारण कांग्रेस दी हाई कमांड ने दबाव पा के राणा गुरजीत तो रिजाइन लिया, हजे तक प्रवान नहीं किया, हजे भी सोचदा भी कितना कि राजे राणा नूं बचा ही लईए। डेमोक्रेसी आ, राजे राणे गए, राजे राणे तो 1947 तो पहला अंग्रेजां दे कि चापलूस बने रहे, उही आ 1947 तो बाद लोकतंत्र मतलब के लोक मालक लोकां दी कचहरी दे विच अपोजिशन ने लैके गई मुद्दा, और प्रेशर दे विच दबाव दे विच लोकां दे दबाव अपोजिशन दे रोल कारण राणे गुरजीत नू हाई कमांड ने दबाव पा के उहदे कोल रिजाइन लिया। फॉर ऑल अपडेटेड न्यूज़ प्लीज सब्सक्राइब एवन न्यूज़ एंड रिंग द बेल। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का नारायणगढ़ च दूसरे दिन भी धरना जारी है, जिसकी अगवाई कर रहे यूनिट के प्रधान ने कहा कि जेकर दो दिन के अंदर उन्हां दीआं मंगां ना मन्नियां गईआं तां नारायणगढ़ की तीनों सब यूनिट धरने ते बैठ जाणगीआं अते अपनीआं मंगां मनाउण उपरंत ही धरना चक्किआ जाएगा। पटियाला दी पीआरटीसी पेंशन एसोसिएशन वालों एक मीटिंग दा आयोजन किया गया, जिस विच उन्हां वालों पंजाब सरकार दा धन्नवाद किया गया, जिन्हां ने पिछले काफी समय तो सेवा मुक्त मुलाजमान दीआं रुकी हुई पेंशन उन्हां दे खात्यां च पुआणियां शुरू कर दित्तियां हन। अज पीआरटीसी पेंशन एसोसिएशन महीना भर मीटिंग कर रही है, मीडिया सामने असीं रूबरू होंदे हुए बड़ा मान महसूस करदे हां कि मीडिया दे सहयोग नाल लोगों के सहयोग नाल पीआरटीसी पेंशन लंबे संघर्ष बाद इस गल कामयाब हुई है कि मैनेजमेंट ते सरकार वालों जून 17 तक ग्रेच्युटी ते लीव इनकैशमेंट पै चुकी है, सितंबर 17 तक फंडा की अदायगी हो चुकी है। लगभग 2.5 साल तो जी पेंशन है, भावें असी कहा सी भी साड़ी जी डेट है वह 10 तरीक है, पर मैनेजमेंट होर असारू कदम चकती हुई 10 की बजाय हर महीने 5 तरीक नूं पेंशन पा रही है। असी इस मीटिंग दे विच जिथे पंजाब दे लोकां दा धन्नवाद करदे हां, उत्थे मीडिया दा भी धन्नवाद करदे हां जिन्हां ने लगातार सानूं सहयोग दे के साडी आवाज़ नूं सरकार तक मैनेजमेंट तक ते प्रशासन तक पहुंचाया। फॉर ऑल अपडेटेड न्यूज़ प्लीज सब्सक्राइब एवन न्यूज़ एंड रिंग द बेल। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार गणतंत्र दिवस दे मौके ते पटियाला तों झंडा लहराउणगे, जिस नूं ध्यान च रखदे होए पटियाला प्रशासन वल्लों तैयारियां कीतियां जा रहियां ने। उत्थे ही समागम नूं लै के पटियाला दे वख-वख स्कूलां दे विद्यार्थियों वल्लों पोलो ग्राउंड च रिहर्सल कीती जा रही है। सीएम साहब दे आउण करके पिछले सालां च जो असीं प्रोग्राम तैयार करदे हां उस तों वी वधिया प्रोग्राम पेश करन दी कोशिश कर रहे हां। कोरियोग्राफर तो साडे टीचर साहबान सारे जिला सिक्ख्या अफसर मैडम कवल कुमारी जी के सहयोग नाल असी सारे स्कूलों के जोड़े साढ़े 7 स्कूल ने पटियाले दे उन्हां नू नाल लैके बच्चों का तैयारी करवाई जा रही है। सर एक तो यह जिहड़ा है अगे असी बच्चों सिर्फ डांस परफॉर्मेंस ही कराने पर इस बार जिहड़ा असी है थोड़ी जी कोरियोग्राफी विच ऐड की है ताकि जिहड़ा प्रोग्राम नू असी वधिया बना सकीए। सर इहदे विच लगभग 7,500 बच्चा 7 स्कूलों के बच्चे भाग लै रहे हैं, कुल 750 बच्चे इहदे विच भाग लै रहे। For all updated news, please subscribe Avon News and ring the bell.